श्री हरिश्चंद इंटरमीडिएट कॉलेज में आज शनिवार को मोक्षदायिनी एकादशी पर भारतेंदु सभागार में गीता जयंती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी, पूर्व विभागाध्यक्ष वेद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर 25 नवंबर 2023 को विद्यालय में आयोजित हुए श्रीमद् भागवत गीता प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। यह कार्यक्रम श्री प्रहलाद राय झुंझुनवाला स्मृति गीता स्वास्थ्य केंद्र की ओर से आयोजित किया गया। 25 नवंबर को आयोजित हुई गीता प्रतियोगिता में जनपद के लगभग 50 विद्यालयों के 210 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत माध्यम के विद्यालयों के 73 प्रतिभागी सफल रहे थे, जिन्हें आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राममूर्ति चतुर्वेदी ने उपस्थित जनमानस को गीता को पढ़ना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की शिक्षा दी। इस अवसर पर श्री प्रहलाद राय झुंझुनवाला स्मृति गीता स्वाध्य केंद्र के सचिव दीनानाथ झुंझुनवाला ने स्वाध्याय केंद्र की विस्तृत जानकारी दी और प्रतियोगिता और गीता जयंती के बारे में जनमानस को जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के उप प्रबंधक मोहन कृष्ण अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में निवेदिता शिक्षा सदन, बालिका इंटर कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज, संत अतुलानंद कॉन्वेंट कॉलेज, हरिश्चंद इंटर कॉलेज, हरिश्चंद बालिका इंटर कॉलेज, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, बल्लभ विद्यापीठ इंटर कॉलेज सहित 25 विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मंगलाचरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार त्रिपाठी, राजकुमार गौतम तथा सिद्धनाथ कुमार ने किया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रहलाद जी झुंझुनवाला एक गीता अनुयायी साधक हुए हैं और आदरणीय दीनानाथ झुंझुनवाला जी के वो पूर्वज हैं। उनकी स्मृति में आज ये सुअवसर है कि गीता जयंती पर गीता को जीवन में उतारने वाले महापुरुष की स्मृति को स्मरण किया जाए। तो आज उन्हीं महापुरुष के स्मरण में गीता जयंती के अवसर पर ये गीता का कार्यक्रम सब संपन्न हो रहा है।